All right, so hey guys, welcome back to DC Vlog. I hope you guys are absolutely fine. And काफी टाइम के बाद हम एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ फिर से वापस आ गए हैं. तो गाइज, आज के ब्लॉग में हम लोग लेने जा रहे हैं ड्यूक 200. जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल वगैरह देखा होगा, उससे आपको पता चल गया होगा कि हम आज का कंटेंट क्या है हमारा. तो आज हम लोग जा रहे हैं ड्यूक 200 लेने के लिए मेरे फ्रेंड की. तो अभी हम लोग, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीछे साइड में हमारे बाइक्स खड़े हैं, यहाँ पे RS 200 एंड KTM RS 390. सो गाइज, ये है वो ड्यूक 200 2016 एंडिंग मॉडल. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कंडीशन, टायर वगैरह की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हो, एकदम मिंट है. इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे पीछे का जो ब्रेक है, रियर ब्रेक, उसका पंप गया हुआ है. एंड सेकेंड थिंग इज इसका मीटर जो है ना, मीटर में थोड़ा सा फॉल्ट है, वो हो जाएगा. बट लेकिन आप लोग इसकी प्राइस सुन के आप लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये जो प्राइस रेंज में आ रही है ना, मैं आप लोगों को डायरेक्टली नहीं बताऊंगा. आप लोग आईफोन 11 अफोर्ड कर सकते हो, एक आईफोन 11 ले सकते हो आप, वो प्राइस में हमें ये ड्यूक 200 मिली है. और मैं आपको एक बार स्टार्ट करके बता देता हूँ उसको. बहुत ही रॉ मशीन है. अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, तो ये देख लो एक लुक इसका. अभी आगे और भी ब्लॉग आने वाले, तो ये है, ये थी हमारी बाइक. तो अभी जरा पेमेंट वगैरह का प्रोसीजर करते हैं और यहाँ से निकलते फटाफट से, और मिलता हूँ आपको मैं मोटो ब्लॉगिंग सेट. ऑलराइट गाइस, तो हियर इज द ड्यूक 200 RS 200 KTM RC 390. और ये व्यू देख सकते हो आप लोग, काफ़ी बॉम है. तो अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे ड्यूक की टेस्ट राइड, आप लोगों को बताता हूँ कैसा है परफॉर्मेंस वगैरह. एंड अभी यहाँ से निकलते आराम से गाइस. क्या हुआ, क्यों वेट कर रहे, चलो. हेलो के बदन में आ चुके नाना, ठीक है, आप लोग हम आराम से चलाएंगे. तो ओवरऑल गाड़ी का इंजन वगैरह एकदम फिट है. थोड़ा बहुत मैं जैसे कि आपको पता है मीटर का काम है, और इसमें रियर ब्रेक का जो पंप रहता है वो नहीं काम कर रहा है. बाकी ओवरऑल बाइक एकदम सॉलिड है, आप देख सकते हो. या यही था कुछ आज का ब्लॉग गाइस. आई होप यू गाइस एंजॉय. प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को. हम लोग बहुत ही नज़दीक है हमारे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए. सो यार, अभी ड्यूक पे भी काफ़ी वीडियोस बनाने बाकी है, और भी आरएस के ऊपर भी आएगी वीडियोस. गाइस मैं अपना 100% नहीं दे रहा था यूट्यूब के लिए, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा 100% दूँ, ताकि हमारा चैनल एटलीस्ट मोनेटाइज हो सके. तो अभी वही मेरी कोशिश रहेगी. तो या गाइस, मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, सी यू.